नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश मीना है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी जीके की जर्नी। एमपी जीके के साथ आपको थ्योरी के साथ और एमसीक्यू भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जो मेन मेन सब्जेक्ट आपके एग्जामों में लगातार आते रहते, पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन लगातार बने रहते हैं, करंट वगैरह, आपको सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो आज से स्टार्ट करते हैं आपका इतिहास, जो आपसे सबसे ज्यादा आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो इतिहास जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका सबसे मेन, जहां से मध्य प्रदेश का मेनली इतिहास स्टार्ट होता है और जहां से सब सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद लगातार मध्य प्रदेश से जो क्वेश्चन बनते रहते हैं उनके रिदम पकड़ता जाता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपका आज से जो सेशन स्टार्ट होगा वो मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से ही वास्तविक रूप से मध्य प्रदेश के इतिहास स्टार्ट होता है। या भारत के इतिहास देखिए तो वो भी मौर्य साम्राज्य से ही आपका इतिहास स्टार्ट होता है बेसिकली देखा जाए। इससे पहले और भी साम्राज्य रहते हैं लेकिन वो भी जानेंगे मौर्य साम्राज्य कैसे आया, जो जो भी रिलेवेंट होगा। जैसे भारत के इतिहास जब आप, मैं पूरे इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आप अलग इतिहास पढ़ोगे क्योंकि वो पूरे भारत का पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो मध्य प्रदेश से रिलेवेंट तथ्य हो सकते हैं, जो मध्य प्रदेश से जिस भी शासक का शासन रहा है, जिस भी साम्राज्य का या सम्राट का या जिस भी वंश का शासक मध्य प्रदेश में रहा है, शासन मध्य प्रदेश में रहा है, तो उसका कितना शासन रहा है, क्या क्या योगदान रहा है मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो वही चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी के इतिहास सिर्फ बैकग्राउंड के रूप में समझेंगे कि ये स्टोरी बैकग्राउंड में चल रही थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में इतिहास आपका प्रारंभ होता है, तो आप जुड़े रहें। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं, श्री राजे रानी के चरणों में नमन करते हुए आज से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो बने रहें। तो आगे बढ़ते हैं आज। तो आप सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य जब से स्टार्ट हुआ है तब से तो इतिहास के पन्नों में अलग ही इतिहास शुरू हो गया है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य प्रथम साम्राज्य था जिसने अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारत को जो एकीकरण किया है, कि वर्तमान में बोला जा रहा है कि हम एकीकरण करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे, तो अखंड भारत जो बनाने का श्रेय जाता है वो मौर्य वंश को ही जाता है। और आप जानते हो कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने ये पहला काम किया था। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे अपना मध्य प्रदेश का इतिहास। तो या इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी जानेंगे, कहाँ से क्यों कैसे मौर्य साम्राज्य आया, इससे पहले और साम्राज्य नहीं थे क्या, मध्य प्रदेश का इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे पहले भी स्टार्ट होता है, वो भी थोड़ा बैकग्राउंड में जान लेते हैं। लेकिन मेनली चीजें जो एग्जाम में आ सकती है तो वहां से स्टार्ट करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए और आपको ज्यादा ज्यादा नॉलेज और ज्यादा ज्यादा नंबर प्राप्त होंगे। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, आप मौर्य साम्राज्य देख सकते हो, लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य से पहले ये मौर्य साम्राज्य है, ये यहाँ पर ये है आपका मौर्य साम्राज्य, कौन सा वंश है यहाँ पर, ये मौर्य साम्राज्य आपका, ये आप देख सकते हो मौर्य साम्राज्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले आप सभी को पता है 16 महाजनपद हुआ करते थे पहले, कितने महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से दो जनपद मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, चेदी और अवंती, आप सभी को पता है वो, है ना। दो दो जनपद मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, कौन कौन से, चेदी एक तो आपका हो गया चेदी और एक आपका हो गया अवंती, ये आपके दो जनपद मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो जनपदों के बाद सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो मगध साम्राज्य स्टार्ट हुआ था, जो मगध साम्राज्य का हर्यक वंश। तो इन जनपदों में एक जनपद था मगध का जनपद, 16 महाजनपदों में एक जनपद था आपका मगध का जनपद। तो ये मगध सबसे शक्तिशाली था, आप सभी ने नाम सुना होगा बिंबिसार का नाम, तो बिंबिसार सबसे शक्तिशाली राजा था, उसी के साथ ये इतिहास आपका प्रारंभ होता है। तो मगध से स्टार्ट होता है, मगध कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर था, मौर्य साम्राज्य से पहले मगध आपका बिहार के आसपास का क्षेत्र था और मगध नहीं संपूर्ण भारत पर कब्जा कर रखा था। तो जब मगध स्टार्ट होता है तो मगध पर जो सबसे पहले प्रथम वंश जो आता है, मगध पर जो इतिहास में हमें प्रथम वंश जो मिलता है वो मिलता है मगध साम्राज्य का, कौन सा, हर्यक वंश, कौन सा, हर्यक वंश, ये मगध साम्राज्य का प्रथम वंश जो देखने को मिलेगा आपको हर्यक वंश मिलेगा। इसके बाद जो हर्यक वंश के बाद जो जो वंश स्टार्ट होता है वो आपका होता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग, शिशुनाग वंश,
और इसके बाद आपका आता है नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश तो आप सभी को पता है, आपने देखा होगा, इतिहास भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आप सभी को पता है कि मगध साम्राज्य में जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो आपका शासक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार, बिंबिसार। तो जब बिंबिसार यहाँ पर शासन कर रहा था तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे दो जनपद बताए, यहाँ पर चेदी और अवंती। तो ये मध्य प्रदेश का आप डायग्राम मान लो, ये मध्य प्रदेश है और इसका ये डायग्राम मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये इस टाइप का ले लो आप, ये मध्य प्रदेश है। तो इसका डायग्राम आप देखते हो, तो यहाँ पर जो एक तो यहाँ पर ये था, ये चेदी वाला इलाका हो गया। कौन सा? चेदी वाला, आपका चेदी वाला। और ये वाला इलाका जो था यहाँ पर, ये नर्मदा नदी के उत्तर और दक्षिण में ये वाला क्षेत्र, ये था आपका अवंती। तो अवंती उस समय शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था जब हर्यक वंश पर बिंबिसार शासन कर रहा था। तो इस समय यहाँ पर जो शासक था अवंती पर, जो शासक था वो था आपका चंड प्रदोत। कौन? चंड प्रदोत। चंड प्रदोत यहाँ पर शासक कौन था? चंड प्रदोत। आप है ना, यहाँ पर जब हर्यक वंश मगध पर, यहाँ पर मगध पर जब शासन कर रहा था, कौन कौन वंश शासन कर रहा था मगध पर? हर्यक वंश। हर्यक वंश आपका यहाँ पर शासन कर रहा था। तो यहाँ पर जो अवंती यहाँ पर है, ये अवंती है, आप देख सकते हो। तो अवंती पर कौन था? यहाँ पर आपका जो वंश था वो था प्रदोत वंश। प्रदोत वंश, और प्रदोत वंश का जो शासक था वो आपका था चंड प्रदोत। तो एक बार जब जब ये भाई साहब ये बीमार हुए थे, कौन? अपने चंड प्रदोत भाई साहब। तो इनकी सेवा के लिए इन्होंने, बिंबिसार ने क्या किया कि अपने यहां से एक सेवक यहाँ पर भेजा था, जीवक, जो क्या था? एक राजवेद था, जीवक, जीवक नाम का एक राजवेद इन्होंने भेजा था। जीवक नाम का राजवेद इनके पास भेजा था जब ये भाई साहब किस रोग से पीड़ित थे? पीलिया रोग से पीड़ित थे। तो इनकी सेवा के लिए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब ये सबसे बड़ा महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जो मगध से ना डरता हो वो अवंती, मध्य प्रदेश का इतिहास में अलग ही योगदान आपका देखने को मिल सकता है। तो अवंती भी उस समय बहुत शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। तब ये मगध सोचता था कि हम अवंती से दोस्ती कायम रखें, लेकिन जैसे ही ये हर्यक वंश समाप्त होता है, जैसे ही हर्यक वंश समाप्त होता है, तो ये इसके बाद जो वंश आता है वो आपका आता है कौन सा? शिशुनाग वंश। जब शिशुनाग वंश आपका आता है तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वो शिशुनाग है ना, शिशुनाग, शिशुनाग है ना। जब शिशुनाग आता है तो ये क्या करता है, जो अवंती है, ये जो अवंती है क्या है? ये अवंती है। तो शिशुनाग क्या करता है, अब अवंती को क्या करता है, अवंती को क्या करता है शिशुनाग, अवंती को क्या करता है शिशुनाग, अपने साम्राज्य में मिला लेता है। मतलब इस अवंती को अब शिशुनाग, जब हर्यक वंश समाप्ति के बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश आता है। तो शिशुनाग क्या करता है, अब अवंती को क्या करता है, मगध साम्राज्य में मिला लेता है। ये ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो आप ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे है ना, तो आप उसका आंसर होगा आपके सामने शिशुनाग ने, जो शिशुनाग वंश का शासक था। इसके बाद जो अगला वंश आता है वो आपका आता है नंद वंश। वो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद। नंद वंश का जो संस्थापक था वो आपका था महापद्मनंद। और महापद्मनंद के बाद जो आपको पता है कि जिस वंश की उत्पत्ति होने के लिए एक राजा पैदा होता है ना, जिसके कारण एक नया वंश स्थापित होगा, मौर्य साम्राज्य, वो है, इसी वंश का आखिरी शासक कौन है? गणानंद। गणानंद, तो ये गणानंद ही वो है इतिहास में जो कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य का जन्मदाता माना जाएगा। क्योंकि जब गणानंद इस वंश का जब शासन था, इस वंश का शासन था किसका? इसका नंद वंश का शासक था, और अंतिम शासक था इस वंश का गणानंद। इस समय आप सभी को पता है कि सिकंदर ने आक्रमण किया था, और सिकंदर ने आक्रमण, इसकी विशाल सेना देखकर वो वापस लौट गया था सिंधु नदी के तट पर। तो इसके बाद क्या किया, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की स्थापना कर दी? आपका कौन सा? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और नंद वंश में अंतिम शासक था गणानंद को हराकर किसने हराया इसको, किसने हराया इसको? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। किसको हराया? गणानंद को। और कौन से वंश की स्थापना कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने?
मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो यही से मध्य प्रदेश का बेसिकली ये मैंने बैकग्राउंड आप बैक स्टोरी समझाई, जो आपको और अच्छे से मैं कहां पर पढ़ाऊंगा, जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो और अच्छे से विस्तार से बताऊंगा, इतने से आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन मेनली जो फोकस रहेगा हमारा मौर्य वंश से रहेगा, क्योंकि मौर्य वंश से ही यही से सर्वाधिक क्वेश्चन मध्य प्रदेश में आपके पूछे जाएंगे हर एक एग्जाम में, ध्यान रखना। तो मौर्य वंश स्टार्ट होता है, अब मौर्य वंश से ही हम अच्छा साम्राज्य पढ़ेंगे। ध्यान रखना जो मौर्य वंश में जो शासक रहे हैं उनके नाम आप पहले ही रट लो, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। एक तो आपका पहला शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो पढ़ेंगे वो है बिंदुसार, कौन है बिंदुसार, और इसके बाद जो आपका पढ़ेंगे बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा कौन हुआ, अशोक, ये अशोक मान के बारे में आपसे पढ़ा जाएगा, क्योंकि अशोक मान के सर्वाधिक चीजें मध्य प्रदेश से रिलेवेंट होती हैं, तो इन शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हो, सबसे पहले जब मगध साम्राज्य था तो उस समय पूरे भारत पर जो आप साम्राज्य ना, तो पूरे भारत पर किस वंश का शासन था, तो पूरे भारत पर जो शासन था आपका वो था आपका किस वंश का, वो था आपका मगध साम्राज्य का, है ना। लेकिन जब से कौन सा वंश आया यहाँ पर, कौन सा वंश आया, मौर्य वंश, है ना, मगध पे ही आया, ध्यान रखना ये मगध में ही आया था, मगध में ही स्थापना हुई थी, किस वंश की, मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश ने फिर ये पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, ध्यान रखना ये इतना इतना क्षेत्र पूरे भारत पर किसका कब्जा था, मौर्य वंश का था। तो आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये देख सो, तो हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, एक एक करके जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य है भैया, ये बिंदुसार है और ये आपके हैं अशोक, ये अशोक है। हेलो, आवाज आ रही है, ठीक है, वो थोड़ी माइक में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये आपका कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये बिंदुसार है और ये है आपका अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य लाए हैं जो चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना था, लेकिन इसके बारे में कमी जानेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित जो चीजें मिली है या इसके जो शिलालेख अभिलेख जो भी मिले, स्तूप मिले, वो जो भी सामग्री मिली है इसके बारे में मध्य प्रदेश में कमी मिली, तो इसके बारे में कमी जानेंगे। तो ये आपका पहला शासक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपका पहला शासक हो गया, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का एक शिलालेख मिलता है, आप सभी को पता है, वो आपको रटना है, कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़, जूनागढ़, यहां इसका नाम है गिरनार अभिलेख, गिरनार, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख आपको मिलता है। ये अभिलेख है भैया, अभिलेख क्या होते हैं वो जान लो भैया, अभिलेख ऐसी चीज होती है जो किसी भी चीज पर लिखी गई हो वो अभिलेख कहलाता है। जैसे पत्थर पर लिखी गई हो तो पत्थर अभिलेख या पाषाण अभिलेख कहलाता है, गुफा में लिखी गई हो तो गुफा अभिलेख, जैसे भीमबेटका के साक्ष्य हमें गुहालेख से मिलते हैं, तो गुहालेख मतलब गुफा में लिखी गई चीज, पत्थर पर लिखी गई चीज पत्थर के अभिलेख होते, पाषाण अभिलेख होते, तो किसी भी चीज पर जो चीज लिखाई गई ना तो वो अभिलेख कहलाते हैं ना, अभिलेख जिसका हम बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं चीजों के रूप में, जिन्हों जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो अभिलेख है सारी चीजें, है ना। तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि जो इसका शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो आपका था मालवा, मतलब सौराष्ट्र से लेके, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र से लेके आपका कहां तक था, मालवा, मतलब मालवा, मालवा आप सभी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश आप सब देख सकते हो, ये आपका प्यारा मध्य प्रदेश है, ये आपका प्यारा मध्य प्रदेश है। तो ये वाला क्षेत्र मालवा कहलाता है, आप सभी को पता है ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मालवा। तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो सौराष्ट्र के साथ साथ मालवा में भी था, और जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख का जो संस्थापक था या जो स्थापित किया है वो था आपका, ध्यान रखना, रुद्रदामन, रुद्रदामन, इसके बारे में भी जानेंगे। ये एक शख्स वंश शासक था, है ना, इसने गिरनार अभिलेख और सौराष्ट्र झील का जीर्णोद्धार करवाया था, वो भी हमें जानकारी मिलती है, यहाँ पर निर्माण करवाया था पुरुगुप्त ने, जो इसका चंद्रगुप्त मौर्य का ही मंत्री था, वो इतिहास में हम और सारी अच्छे से जानेंगे ना। इतना हो गया, अब आपका आता है, जो आता है आपका कौन सा,
कौन सा आता है आपका शासक, अगला शासक आता है, इतनी जानकारी बहुत है, क्योंकि मध्य प्रदेश से कुछ अगर क्वेश्चन आएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना ही आएगा, इसके अलावा नहीं आने वाला। इसके बाद आपका जो शासक आता है वो आपका आता है कौन सा, बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में जान लेते, बिंदुसार, बिंदुसार ये आपका बिंदुसार मतलब इसका बेटा कौन हुआ, बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में मध्य प्रदेश से कोई भी शिलालेख या अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं, जो चीजें प्राप्त होती है वो सिर्फ इतना प्राप्त होता है कि बिंदुसार का एक बेटा था, उसका नाम था अशोक, उसका नाम था अशोक। तो अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है, तो अशोक के बारे में हम जानते हैं। तो ये है सम्राट अशोक, ये कौन है, अशोक, ये है सम्राट अशोक। तो अशोक के बारे में हम जानते हैं और अशोक से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को कहां पर राजपाल बनाया था, वो आपका राजपाल बनाया था आपका अवंती का राजपाल बनाया था, और वो वहां पर 11 वर्ष तक अवंती का राजपाल रहा, है ना। तो कौन, अशोक कहां का राजपाल रहा, अशोक जो राजपाल रहा, राजपाल, राजपाल कहां का रहा, ये अवंती का राजपाल रहा। लेकिन जब ये अवंती आ रहा था कितने वर्ष तक रहा, ये 11 वर्ष तक, ये भी ध्यान रखना 11 वर्ष तक, 11 वर्ष तक। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, जब ये राजपाल बनने आ रहा था, मतलब मगध से आ रहा था, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये मगध से यहां से आ रहा था, ये यहां से मगध से आ रहा था, तो इसे रास्ते में यहां पर आया अवंती से पहले, यहां पर पड़ता है आपका विदिशा, यहां पर पड़ता है विदिशा, तो इसने क्या किया, यहां पर रुका, है ना। ये मध्य प्रदेश है, ये पूरा मध्य प्रदेश है आपका, ये वाला इलाका ये मध्य प्रदेश का है ना। तो यहां पर रुका, ये विदिशा रुका पहले, यहां पर विदिशा में रुका, फिर अवंती पहुंचा। तो जब ये विदिशा रुका तो भैया ऐसे क्या हुआ कि कौन मिली आपको, इनकी प्रिय धर्मपत्नी महादेवी से इनकी मुलाकात होती है, कहां पर, विदिशा में। उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है हमें जो महावंश है, बोध ग्रंथ है एक महावंश, महावंश से, महावंश से ये जानकारी मिलती है। ये ध्यान रखना, किससे जानकारी मिलती है, महावंश एक ग्रंथ है, बोध ग्रंथ है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि जब ये अवंती का राजपाल बन रहा था और जब ये रास्ते में आ रहा था तो ये कहां रुका, विदिशा, है ना। तो विदिशा में रुका, कहां पर रुका, विदिशा। तो विदिशा में इन्हें एक लड़की से मुलाकात हुई, वो थी महादेवी। कौन थी, एक लड़की से मुलाकात हुई विदिशा में, वो थी महादेवी, 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 या जिसको श्रीदेवी भी बोला जाता है, श्रीदेवी, है ना। इससे मुलाकात हुई, किसकी, अशोक की। तो इनसे मुलाकात हुई, ये किस वंश की लड़की थी, तो ये थी आपकी शक वंश की, ध्यान रखना, किस वंश की थी, ये थी आपकी शक वंश की, शक वंश के व्यापारी की लड़की थी, कौन की, श्रीदेवी या महादेवी थी। इनसे मुलाकात हुई और रहने प्रेम हो गया। प्रेम होने में कितना टाइम लगता है यार, आंखों का खेल है, जो आंखों में बस गया बस गया, एक पल में बच जाता है, और नहीं बचने वाले तो हमेशा ही नहीं बचते, है ना। तो इन्हें हो गया इनसे प्रेम और इन्होंने कर लिया इनसे शादी। शादी होने के बाद भैया खुशहाल जीवन चल रहा था, फिर भगवान की कृपा से दो पुत्र रत्न भी प्राप्त हुए इन्हें, है ना। तो इन्हें दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए, वो कौन कौन है आपके, वो आपकी एक तो पुत्र हुआ आपका महेंद्र और पुत्री हुई संगमित्रा। पुत्र आपका महेंद्र है, महेंद्र क्या है आपका पुत्र है, और पुत्री आपकी है संगमित्रा। क्या है आपकी, संगमित्रा, ये बेटी है, ये बेटा है आपका, ये बेटा प्राप्त हुआ आपको और ये बेटी प्राप्त हुई, पुत्री प्राप्त हुई, है ना। लेकिन इनका योगदान इतना नहीं है, इन दोनों ने, आप सभी को पता है कि जब महाराजा अशोक ने पूरे साम्राज्य पूरे भारत पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, मतलब ये देख सकते हो आप, देख सकते हो इधर कि पूरे साम्राज्य पर, लगभग पूरे साम्राज्य पर एकाधिकार कर लिया था, लेकिन ये कलिंग, ये जगह छूट रही थी कलिंग युग के बारे में, क्योंकि ये पूरा इतना इतना साम्राज्य पर उसने अधिकार कर लिया था, तो कलिंग कहीं ना कहीं उनकी नजरों में छुपता था। तो उन्होंने क्या किया, कलिंग पर अधिकार करने के लिए, यहाँ पर कलिंग युद्ध के बारे में हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे और भी जानेंगे, लेकिन इतना जान लेते हैं कि जब 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया अशोक ने, तो यहाँ पर बेहतरीन नगर संगार हुआ। ये कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा वाला क्षेत्र में एक कलिंग साम्राज्य था, यहाँ पर जब आक्रमण किया तो बहुत सारा नरसंहार हुआ, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने क्या किया कि भैया जो धर्म, जो राज विस्तार की नीति थी उसे त्याग कर धर्म विस्तार की नीति
नीति अपना ली और उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म अपना लिया। यहीं से इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया, अब साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़कर धर्म विस्तार की या धर्म की स्थापना की और बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इतने दुखी हो गए थे, इतनी बेहतरीन रूप से नरसंहार हुआ था, तो इसके बाद इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को कहां पर भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने कहां भेजा था इनको, श्रीलंका। श्रीलंका आप सभी को पता है श्रीलंका कहां पर है, आप मैप में देखोगे ना तो दक्षिणी वाला इलाका आपको दिख जाएगा। इसमें हो सकता है आपको मैं बता दूं, ये देख सकते हो, यहां पर भेजा था इन्होंने, है ना। तो यहां से यहां पर भेजा था, ये श्रीलंका, यहां पर भेजा था इन्होंने अपने बेटा और बेटी को क्या, बौद्ध धर्म का वो करने के लिए, प्रचार करने के लिए, है ना। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा यहां पर ये मिलता है कि सांची, ये जान लो कुछ पॉइंट। सांची के बारे में ये बोला जाता है कि सांची का नाम गुप्त काल तक, जो आने वाले समय में हम गुप्त काल भी पढ़ेंगे, गुप्त काल तक क्या नाम था, काकनाद बोर्ड। क्या नाम था ये ध्यान रखना, काकनाद बोट भी मिलता है आपको। तो ये गुप्त काल तक यहां पर आपको सांची का नाम मिल सकता है। और सांची के इसके अलावा आपको एक अभिलेख मिलेगा, उसका नाम है संघभेद अभिलेख। इसमें ये माना जाता है कि अशोक ने राजाज्ञा का उल्लंघन किया था। तो ध्यान रखना, इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि संघभेद अभिलेख आपको कहां पर मिलेगा, वो सांची में मिलेगा। इसमें जो जानकारी मिलेगी वो अशोक की राजाज्ञा का उल्लंघन के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो महादेवी के कहने पर अशोक ने, श्रीदेवी या महादेवी के कहने पर जो अशोक ने निर्माण करवाया था, वो एक तो आपका था सांची स्तूप, कौन सा, सांची स्तूप, जो मैं आप आगे पढ़ाऊंगा, और एक आपका स्थापित करवाया था बेस टेकरी, है ना। मुमताज के कहने पर ताजमहल किसी ने बनवाया, तो श्री देवी के कहने पर सांची स्तूप और बेस टेकरी किसी ने बनवाया, वो अशोक थे, है ना। तो ये इतनी जानकारी आपको आई होप पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ते हैं। ये मिटा दूं अब मैं, देखो इतना हो गया। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे अशोक के किसके बारे में, अभिलेखों के बारे में, क्यों, जिससे हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में, या फिर जो मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी मिलती है अभिलेखों के माध्यम से मिलती है या स्तूपों के माध्यम से मिलती है। तो जान लेते हैं कौन कौन से ये अभिलेख, ये समझ लेना कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें रट लेना, घोर कर पी लेना, पुड़िया बनाकर पी लेना, कैसे भी पी लेना, पानी में डालकर, दूध में डालकर, सुबह शाम पी लेना, कैसे भी पी लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते ही और बनने वाले हैं। तो ध्यान रखना आप, तो अभिलेख सबसे पहले जो अशोक के लघु अभिलेखों के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो गुजरा, रूपनाथ, सारोमारो और पान गुड़ारिया है। ध्यान रखना, ये आपका अभिलेख है पान गुड़ारिया। तो ये है, तो ये चार जो अभिलेख हैं अशोक के, ये जो चार अभिलेख हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये अशोक के लघु अभिलेख है। कैसे? लघु अभिलेख हैं ये अशोक के। ध्यान रखना, ये कैसे अभिलेख है, लघु अभिलेख। तो एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुर्जरा के बारे में। गुर्जरा, तो गुर्जरा के बारे में ये कहा जाता है कि गुर्जरा अभिलेख में प्रथम बार जो अशोक का नाम मिलता है, जो देवताओं का प्रिय था, वो नाम जो मिलता है वो गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। और एक और अभिलेख में मिलता है मास्की, जो आंध्र प्रदेश में, वो अपने अपने काम का नहीं, फिलहाल अपने काम का है कौन सा, गुर्जरा अभिलेख। तो गुर्जरा अभिलेख जो दतिया में है, कहां पर है ये ध्यान रखना, दतिया में, कहां पर है, दतिया में। इससे किसकी जानकारी मिलती है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है, जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, देव नाम प्रिय या प्रिय दर्शन, जो देवताओं का, जिसका दर्शन प्रिय हो, है ना, देवताओं का प्रिय या प्रिय दर्शन, इसका अशोक का नाम जो अशोक मिलता है,
वो कौन से अभिलेख में मिलता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो गुजरा या गुजरा अभिलेख में आपको इसका नाम मिलता है। इसके अलावा आपका जो दूसरा अभिलेख है वो दूसरा अभिलेख आपका आता है रूपनाथ, रूपनाथ ये ध्यान रखना रूपनाथ। तो ये रूपनाथ कहाँ पर है भैया, बहुत सारी बुकों में आपको जबलपुर देखने को मिलेगा, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, लेकिन इसका जो मेनली स्थान है और जो अभी वर्तमान में रिसर्च के द्वारा खोजा गया है वो आपको मिलता है बोरीबंद कटनी, बोरीबंद 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 जगह है, कहां पर है ये कटनी में। तो यहां पर आपको मेनली ये देखने को मिल सकता है। इसमें जो जानकारी मिलेगी वो आपको ये मिलेगी कि ये अभिलेख कहां पर है, जिसमें अशोक की जानकारी, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, वो इतना ध्यान रखना कि ये बोरीबंद कटनी में पाया जाता है और ये अशोक का लघु शिला लेख, इतना आपसे पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो अशोक के बारे में जो मेनली मध्य प्रदेश से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो हमें दो अभिलेखों से मिलती है, गुजरा अभिलेख और रूपनाथ अभिलेख। तो इतनी आप ध्यान रखना। तो आगे आने वाले अभिलेख पढ़ते हैं, है ना, तो सारो मारो, इसके अलावा तीसरा पढ़ते हैं कौन सा, सारो मारो, तीसरा आपका है सारो मारो, सारो मारो। तो सारो मारो, सारो मारो ये कहां पर है आपका, ये आपका है सीहोर में, ध्यान रखना ये आपका मिलेगा आपको सीहोर में। सारो मारो अभिलेख इतना ही ध्यान रखना है कि ये आपको सीहोर में मिलेगा, अशोक का लघु अभिलेख है। आपसे इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना है, जितना पूछा जाएगा और जो इंपोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं, ज्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। मैं बहुत सारी बुकों से उठा के लिया हूँ, पीपीटी बना के पढ़ा दू और कचरा दे दू आप, क्या आप अच्छा लगेगा, नहीं। जो एग्जाम में आएगा, आपके पास भी कम टाइम है, आप जब जल्दी नौकरी चाहिए तो भैया जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पढ़ लो, फालतू की चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ज्यादा ज्ञानवान बनने से कोई मतलब नहीं। जो ज्यादा ज्ञानवान बन जाते हैं वो रोते फिरते हैं, उन्हें कोई नहीं झेलता, ना एग्जाम झेलते ना घर वाले, है ना। इतना ज्ञान दो जो सामने वाला पचा सके, तो उतना ही ज्ञान है भैया, जो एग्जाम पचाएगा और आपके नंबर देगा, है ना, तो उतना ज्ञान है, आपका काम चल जाएगा। सारो मारो कहां पर है, सीहोर में। इसके अलावा आपका पान गुड़ारिया, कौन सा, पान गुड़ारिया, पान गुड़ारिया, ये पान गुड़ारिया, ये भी ध्यान रखना, ये भी सीहोर में, कहां पर है, ये भी सीहोर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो महेंद्र और संगमित्रा को श्रीलंका भेजा गया था, तो पुत्र कौन था, महेंद्र। तो महेंद्र ने जो यात्राएं की थी, महेंद्र की यात्रा विवरण मिलता है, महेंद्र की यात्राओं का विवरण मिलता है, यात्राओं, यात्राओं का क्या मिलता है, विवरण, ध्यान रखना। इस अभिलेख में महेंद्र की यात्राओं का विवरण मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कारी तलाई, ये कारी तलाई अभिलेख है, ये ध्यान रखना, ये आपका मिलेगा कटनी में, है ना। कहीं कहीं आपको किसी बुक में जबलपुर देखने को मिलेगा, लेकिन ये बेसिकली देखा जाए तो कटनी में। सिर्फ जितना बताया ना उतनी जानकारी आप याद रख लेना, उसको आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं, तो ये अशोक के अभिलेख हैं, ये देख सकते हो, अशोक के अभिलेख इस टाइप के अभिलेख होते हैं, किसी पत्थर पे बना दिए जाते हैं, किसी गुफा में लिख दिए जाते हैं, जैसे भीमबेटका गुफा, मैं पहले भी बता चुका हूँ ना, तो इस टाइप के अभिलेख होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अब जानते हैं अभिलेखों के बारे में जान लिया, अब जानते हैं स्तूपों के बारे में। तो स्तूप, तो सबसे पहले जो स्तूप आए वो स्तूप के बारे में जान लेते हैं, सांची स्तूप। तो सांची का ये स्तूप मैं आपके लिए लाया हूँ, बाकायदा आप दर्शन कर लो, है ना। सांची का स्तूप सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है और इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो ये है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप का ध्यान रखना, इसकी सबसे पहले ध्यान रखना, जो खोज की गई, खोज की गई वो की गई 1818 में, किसने की, आपकी जनरल टेलर ने, किसने, जनरल, जनरल टेलर ने, है ना। इसकी खोज की सबसे पहले किसने की, जनरल टेलर ने। और आपका जो इसका निर्माण करवाया, निर्माण करवाया वो करवाया आपका अशोक ने, सांची का, है ना, नींव अशोक ने रखी थी, लेकिन पूर्ण इसे किसने करवाया, जो तोरण द्वार वगैरह है वो पुष्मित सुंग ने बनवाए, तो मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो ये 1818 में जनरल टेलर ने खोज कर भाई, ये आपका हो गया। इसके अलावा इसको यूनेस्को में, यूनेस्को के बारे में कभी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इतना तो आप जानते हो। यूनेस्को में जो इसको शामिल कर दिया गया वो आपका है 1989, है ना। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है, और इसमें जो अस्थि अवशेष है वो रखे गए हैं, वो किसके हैं, महामोद गलायन जो और सारिपुत्र सूरी,
जो कौन थे, भगवान बुद्ध के जो गौतम बुद्ध थे उनके शिष्य थे, ध्यान रखना, महामोद गलायन, महामोद गलायन और सारिपुत्र सूरी, सारिपुत्र सूरी, ये दोनों के जो भगवान बुद्ध के ये शिष्य थे, कौन थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ध्यान रखना, ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे, गौतम बुद्ध के शिष्य, गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ध्यान रखना, ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे जिनके अस्थि अवशेष इसमें आपको देखने को मिल सकता है ना, जो रखे गए। इसके अलावा ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा है और महामोद गलायन और सरिपुत्र सूरी के अस्थि अवशेष मिलते हैं। जो अस्थि अवशेष रखे गए हैं वो काई में रखे गए हैं, अर्मिका में, अर्मिका। अब ये सब चीजें जानते हैं कि अर्मिका क्या होती, एक एक चीज जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, ये सबसे ऊपर दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है नजर आ रहा है, ये आपका है छत्र, है ना, ये आपका हो गया छत्र। और ये आपका ये नीचे जो दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको, जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये आपका है अर्मिका। कौन सा है, अर्मिका, जिसमें क्या रखे हैं, अस्थि अवशेष, क्या रखे गए हैं, अस्थि अवशेष, अस्थि अवशेष, ये ध्यान रखना। जो अस्थि अवशेष रखे गए हैं वो किसके रखे गए हैं, मैं आपको बता चुका हूं, महामोद गलायन और सारिपुत्र सूरी के, है ना। इसके अलावा ये वाला जो इलाका है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये पूरा वाला इलाका, ये आपका कहलाता है क्या, अंड, अंड कहलाता है, जो अर्ध चंद्राकार रूप में फैला हुआ है, ये कैसा फैला हुआ है, अर्ध चंद्राकार रूप में, अर्ध चंद्राकार, चंद्राकार रूप में ये फैला हुआ है। इसके अलावा ये आपको दिख रहा है ये द्वार, ये पूरा का पूरा जो द्वार दिख रहा है ये आपका, ये द्वार क्या कहलाता है आपका, ये द्वार कहलाता है आपका तोरण द्वार। कौन सा द्वार है ये, तोरण द्वार, तोरण द्वार। इसके अलावा जो आपका ये वाला इलाका है, ये कहलाता है आपका मेदी। वो यहां पर आप सही से आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका प्रदक्षिणा पत्र होता है, मतलब जहां आप घूम सकते हैं, राउंड लगा सकते हैं, तो ये आपका होता है प्रदक्षिणा पत्र, प्रदक्षिणा पत्र, ये आपका होता है प्रदक्षिणा पत्र, है ना, मेदी, जो आपका मेदी कहलाता है, मेदी, है ना। इसके अलावा ये आपको होती है, ये आपकी होती है वेदिका, क्या होती है, ये वाला इलाका क्या कहलाता है, वेदिका। तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये सारी जानकारी आप इनके बारे में जान लो। इसके अलावा सांची स्तूप हो गया, इसके हम जानते हैं कसरावत के बारे में, किसके बारे में, कसरावत, ये भी एक स्तूप है, इसके बारे में जान लेते हैं, कसरावत, ये आपको मिलेगा कहां पर, खरगोन में, कसरावत जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा खरगोन में। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक इत बड़ी नामक टीले, जो ईंटों से टीला बना हुआ है उसमें स्थित है, है ना, इत बड़ी टीले में, ये ध्यान रखना किस टीले में स्थित है, इत बड़ी टीले में, इत बड़ी टीले में स्थित है ना, और जो ईंटों से निर्मित है, ये वाला स्तूप। अगला स्तूप आपका उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, दूसरा स्तूप जानते हैं, वो कौन सा स्तूप है आपका, दूसरा स्तूप है उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, उज्जैन में स्थित है बौद्ध महास्तूप, बौद्ध महास्तूप, बौद्ध महास्तूप, उज्जैन का बौद्ध महास्तूप कैसा है कि भैया ये जो स्थापित किया गया था वो महारानी के कहने पर किया गया था, श्री देवी के कहने पर, किसने निर्माण करवाया था, अशोक ने। तो ये आपका मिलता है कानीपुरा में, कहां पर मिलता है, कानीपुरा नामक स्थान पर, है ना, जहां पर क्या स्थित है, बेस टेकरी, वर्तमान में जो साक्ष्य मिले हैं वो बेस टेकरी यहीं पे स्थित है, है ना। और जो इसका निर्माण करवाया था किसके कहने पर करवाया था, महादेवी के कहने पर, अशोक ने, ध्यान रखना, महादेवी के कहने पर किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था, कानीपुरा, कानीपुरा जगह है वहां पर स्थित है और ये बेस टेकरी है। इसके अलावा आपका देवर कोटार तीसरा स्तूप है, ये ध्यान रखना, देवर कोटार के बारे में कुछ नहीं याद नहीं रखना, ये कहां पर है आपका, रीवा में स्थित है। इसके अलावा आपका भरूत स्तूप, कौन सा तीसरा जानते हैं, कौन सा स्तूप है आपका, भरूत स्तूप, ये सारे इंपोर्टेंट स्तूप है, ध्यान रखना, भरूत स्तूप, भरूत स्तूप, भरूत स्तूप आपका मिलेगा आपका उचेरा सतना में, ध्यान रखना, उचेरा, उचेरा सतना में आपको ये स्तूप देखने को मिलेगा। और इसकी खोज जो की गई थी वो अलेक्जेंडर कनिंगम ने कब की गई थी, 1873 में, किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, अलेक
जेंडर, कनिंगम ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने कब की थी आपकी खोज 1873 में। जो इतना भी लिख रहा हूं भैया बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, रट लेना, विश्वास करना, है ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बाकी कोई नहीं। इसके अलावा आपको तुमेन मिलता है, तुमेन, तुमेन मिलेगा, ये आपको अशोकनगर, गुना से अलग होकर जो जिला बना है वो आपका है अशोकनगर, है ना। अशोक जो सम्राट अशोक है ना, एक दिन यहाँ पर भी रुके थे, उसी के नाम पर अशोकनगर का नाम अशोकनगर रखा गया है ना। ये अशोकनगर में मिलता है जो विदिशा और मथुरा के जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। जो कहां पर स्थित है, विदिशा, यहाँ का जो स्तूप स्थित है वो कहां पर स्थित है, विदिशा प्लस मथुरा के जोड़ने वाला एक व्यापारिक मार्ग है, वहां पर ये स्तूप स्थित है। तो ये सारे स्तूप आप सभी को समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। इतने स्तूप हैं जिसके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के स्तूपों के बारे में, है ना। और कुछ और स्तूपों के बारे में जानने की इच्छा हो तो और जान लेते हैं। ये हो गया आपका, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला कुछ मैप बना ले मेरे साथ ताकि कुछ और स्तूप बता दूं मैं आपको। ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है, ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है, हो गया मध्य प्रदेश का मैप। तो कुछ और स्तूपों के बारे में जान लो आप, है ना। यहाँ पर लिखना है सांची में कितने स्तूप, जो सांची है वो कहां पर है, मैंने ये नहीं बताया शायद, है ना, वो रायसेन में पड़ता है। तो सांची यहाँ पर ध्यान रखना, सांची, सोनारा, सोनारा, सतधारा, सतधारा और आंधेर, जो स्तूप पाए जाते हैं, ये तीनों स्तूप पाए जाते हैं यहाँ पर सांची है, है ना। सांची का ये कहां पर पाए जाते हैं, ये रायसेन में, ध्यान रखना, रायसेन जिले में ये तीनों स्तूप पाए जाते हैं। आप सभी को पता है सांची, सतधारा, सतधारा और सोनारा, ये सारे जो स्तूप पाए जाते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, सोनारी, है ना। और भरूत स्तूप यहाँ पर सतनाम पाया जाता है, कौन सा, भरूत स्तूप यहाँ पर आप सभी को पता है ये सतनाम पाया जाता है। और देवर कोटार, देवर कोटार, ये मैप में एक बार डिकोड कर लोगे ना तो आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कहां पर कौन सा स्तूप है। देवर कोटार कहां पर पाया जाता है, आपका रीवा में पाया जाता है। ये सारे मैप में एक बार आप डिकोड कर लोगे ना, बाकी जो भी स्तूप है आप डिकोड कर लोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आ जाएगी। एकाद स्तूप को लिख दूं, बेस्ट टेकरी, बेस्ट टेकरी जो आपका पाया जाता है उज्जैन में। तो बाकी स्तूपों को आप मैप में डिकोड कर लें, क्योंकि मैं अगर डिकोड करने लग गया तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जैसे तो मेन हुआ वो अशोकनगर है, ये तो मेन, मैं सभी स्तूपों को डिकोड कर दूंगा, है ना, तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा, मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, तो आप यहाँ पर डिकोड कर लें। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ क्या, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा चुका हूँ, जो लगभग लगभग सभी जो इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है ना, पानी लाओ यार, है ना, वो जो लगभग लगभग सारी इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है वो हम पढ़ा चुके हैं। किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। जो अगला आपका साम्राज्य है, जो अगला आपका साम्राज्य है वो आपको पढ़ाऊंगा, कौन सा मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य आता है जिसका मध्य प्रदेश में साक्ष्य मिलते हैं, वो अभी पढ़ाऊंगा, है ना। पानी पी लिया, आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है जब मौर्य साम्राज्य है, मैं पढ़ा चुका हूं किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य, है ना। ये सभी जो साम्राज्य, जो शासक साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, वो सभी जो शासन स्थापित कर रहे थे, जो शासन संचालन कर रहे थे, ये ध्यान रखना, जो सभी शासन संचालन कर रहे थे वो आपका कर रहे थे यहाँ पर मगध में बैठकर, ध्यान रखना, मगध में बैठकर, जैसे वर्तमान में दिल्ली में बैठकर जो अपनी संसद है वो दिल्ली में बैठकर रूल करती है और पूरे भारत पर रूल करती है, इसी प्रकार यहाँ पर मगध में बैठकर पूरे क्षेत्र पर रूल किया जाता था, ये ध्यान रखना, इतनी सी बात आपको समझ में आना चाहिए। तो आगे बढ़ते, आपका कौन सा पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया हमने, मौर्य साम्राज्य के बाद अगले साम्राज्य कौन आते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और इसका अंतिम शासक था कौन, इसका अंतिम शासक, ध्यान रखना, अंतिम शासक, इसका अंतिम जो शासक था वो था बृहदत्त, कौन था, बृहदत्त, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। तो भैया जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो दो दो तरफा राज चलता है अपना, ध्यान रखना,
ये मध्य प्रदेश का अगर आप देखते हो, ये वाला मैप वापस देखना ही पड़ेगा आपको, ये मैप आप देख सकते हो ना, ये बाकी चीजें मिटा दूं मैं। जब ये मध्य प्रदेश का ये मैप देखते हो ना, मध्य प्रदेश और भारत का जब मैप देखते हो ना, यहाँ पर जब मगध साम्राज्य का अंत हो गया, मतलब मगध सूरी नहीं, मौर्य साम्राज्य का जब अंत हो गया, तो जब जो क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में जो शासक पैदा हुए, मतलब अब क्या था कि मौर्य साम्राज्य में क्या था, एक छत्र राज था पूरे भारत पर, किसी एक एक शासक का राज था अब तक, है ना। अब क्या हुआ कि जो अब जैसे ही मौर्य साम्राज्य का जैसे अशोक को आए, अशोक के अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तो अब क्या परवर्ती जो शासक है वो कमजोर होने लगे, तो क्या हुआ साम्राज्य बिगड़ने लगा। जब कोई भी जो शासन रहता है उसकी भागदौड़ जब मजबूत नहीं रह जाती है, लगाम ढीली छोड़ देते हैं, तो अपने हिसाब से सब कुछ हो जाता है, घोड़े अपने हिसाब से चलने लगते हैं, तो साम्राज्य टूटने लग जाता। इसी प्रकार साम्राज्य टूटने लग गया और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक स्थापना करने लगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर मगध का अंतिम शासक था बृहदत्त, कौन था बृहदत्त, तो यहाँ पर जो अगला जो मगध पर स्थापित होगा साम्राज्य, या मगध और इस वाले इलाके में, मगध और इस वाले जो इलाके में जो साम्राज्य स्थापित होंगे वो आपके आएंगे ब्राह्मण वंश। कौन से वंश आएगा, ब्राह्मण वंश। जब शासन जो स्थापित करने वाले हैं, ध्यान रखना मौर्य वंश के बाद जो साम्राज्य स्थापित करने वाले हैं वो आपके हैं, दो टाइप के आएंगे, मौर्य वंश यहां पर ले लो आप मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बाद जो साम्राज्य स्थापित करने वाले दो क्षेत्रों में बंटने वाला, ये महत्वपूर्ण चीज आप समझ लेना। एक तो आपका एक क्षेत्र में शासन करेगा आपका ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण वंश, और आपका एक क्षेत्र में जो शासक करेगा वो विदेशी होंगे, कौन होंगे विदेशी। तो यहीं से मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ही विदेशियों का ज्यादा आक्रमण शुरुआत हो जाती है ना। तो ब्राह्मण वंश में कौन कौन से शासक आते हैं, तो ये क्रम से आते हैं आपके सुंग, कर्णव, आंध्र, सातवाहन वंश। सुंग वंश आएगा जिसके बारे में पढ़ेंगे, आंध्र आएगा, सुंग कर्णव आएगा, कर्णव वंश आएगा, इसके बाद आंध्र वंश आएगा, और एक वंश पढ़ेंगे आपका बकाटक वंश, ये भी ब्राह्मण वंश था, है ना। बकाटक वंश विदेशियों में जो आपको देखने को मिलेगा, विदेशी जो शासक आपको देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे यवन, शक, पल्लव, कुषाण। यवन, फिर आएंगे शक, फिर आएंगे आपके पल्लव, और फिर आपके अंत में आएंगे कुषाण, ये शासक रहेंगे। ये ध्यान रखना, जब ये वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में ये वाले शासक करेंगे, यहां पर जो साम्राज्य स्थापित रहेगा, है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये ब्राह्मण वंश का रहेगा, जो ब्राह्मण वंश होगा ना वो इस वाले इलाके पर शासन करेगा। लेकिन इस वाले जो इलाका है, ये वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इस वाले इलाके में कौन विदेशी जो आक्रमण करता है वो कहीं ना कहीं अपना साम्राज्य छोटे मोटे रूप में स्थापित कर लेते हैं। तो इस वाले जो मगध हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो मेनली महाराष्ट्र वाला इलाका और ऊपरी जो मगध वाला इलाका है, इस टाइप के जो इलाके हैं उनमें शासन स्थापित करते। तो इतनी चीजें साम्राज्य समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। तो अपनी स्लाइड पर आते हैं, जो काली स्लाइड बची है ये यहाँ पर। तो बृहदत्त हुआ, है ना, तो बृहदत्त की हत्या इधर जो करेगा मगध में, जो बृहदत्त की हत्या करेगा वो आपका करेगा सुंग वंश का शासक, क्योंकि अब यहाँ पर जो मौर्य वंश के बाद जो साम्राज्य स्थापित होने वाला है वो किसके स्थापित होने वाला है, ब्राह्मण वंश का, ब्राह्मण वंश का, ब्राह्मण वंश का, है ना। और ब्राह्मण वंश में जो प्रथम शासन शासक आने वाला है वो आने वाला है सुंग वंश। तो कौन आने वाला है, सुंग वंश, सुंग वंश। और सुंग वंश का शासक जो है वो आपका है पुष्पमित्र सुंग, पुष्पमित्र सुंग, है ना। तो पुष्पमित्र सुंग क्या करेगा भैया, ये मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर देता है। उसका ही सेनापति कौन होता है, पुष्पमित्र सुंग जो बृहदत्त की हत्या कर देता है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आने लग गई, कट्टरता आने लग गई, तो उसी के लिए ये हत्या कर देता है, किसकी, बृहदत्त की हत्या कर देता है। और किस वंश की स्थापना करता है, मगध में अगला साम्राज्य स्थापित होता है सुंग वंश। तो मगध में जो अगला साम्राज्य स्थापित होगा वो सुंग वंश होगा। तो किस वंश के बारे में पढ़ेंगे हम, अब सुंग वंश के बारे में। तो सुंग वंश के बारे में जान लेते हैं, सुंग वंश कौन सा वंश, अगला वंश आएगा आपका सुंग वंश, सुंग वंश। तो सुंग वंश के बारे में जान लेते हैं, है ना। ये मौर्य साम्राज्य के बाद आया, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, मौर्य वंश के बाद ये आपका आया सुंग वंश। सुंग वंश में सबसे पहले आपका था पुष्पमित्र सुंग,
पुष्य मित्र सुंग, पुष्य सुंग के बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे हम इसका बेटा होता है अग्निमित्र, कौन होता है अग्निमित्र, अग्निमित्र, अग्निमित्र। इसके बाद हम जो जानेंगे आपका बागभद्र, बागभद्र। और इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो ध्यान रखना वो आपको होता है देवभूति, कौन होता है देवभूति, देवभूति, कौन होता है देवभूति। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम पुष्मित सुंग ने क्या क्या काम किए। तो पुष्मित सुंग ने जो काम किए इसे बौद्ध धर्म का संरक्षक और विनाशक भी माना जाता है, दो नाम है ना सब। इसे क्या माना जाता है बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का क्या, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का क्या माना जाता है इसे। एक तो दो चीजें हैं इसके बारे में, एक तो संरक्षक माना जाता है, क्या संरक्षक, और एक आपको माना जाता है इसका क्या विनाशक। भैया ये तो अजीब सी बात हो गई यार, मतलब एक तो संरक्षक कह रहा है और एक तरफ विनाशक कह रहा है, ये कैसे संभव है, या तो इंसान है या नहीं है, ऐसा हो रहा है, मतलब यह तो है या तो नहीं है, ये तो जैन धर्म का सिद्धांत हो गया है भी नहीं भी, इस टाइप का हो रहा है ना। तो माना जाता है संरक्षक भी माना जाता है, विनाशक भी माना जाता है, इसके पीछे पर्याप्त तर्क है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, उसने सुनने क्या किया भैया, क्यों 1000 बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु 1000 जो बौद्ध भिक्षु थे उनकी हत्या करवा दी, यहां सिर कटवा दिया, सिर कटवा कर कहां पर पिघवा दिया, सरयू नदी में, सरयू नदी में पिघवा दिया। 1000 बौद्ध भिक्षु की क्या करवा दी, हत्या करवा दी, इनके सिर कटवा दिए और इन्हें कहां पिघवा दिया, सरयू नदी में। इसलिए बौद्ध धर्म का ये विनाशक कहा गया। लेकिन संरक्षक कैसे कहा गया, जो आप सभी को अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था है ना, और अशोक ने भरूत स्तूप का निर्माण करवाया था, दोनों स्तूपों का निर्माण किसने करवाया था ये ध्यान रखना, अशोक ने करवाया था। लेकिन इन दोनों स्तूपों के ये तोरण द्वार है, तोरण द्वार, तोरण द्वार का निर्माण किसने करवाया था, तोरण द्वार का निर्माण किसने करवाया था, कुष्मित सुंग ने। इसलिए इसे बौद्ध धर्म का संरक्षक भी माना जाता है। इसके अलावा इसने एक उपाधि धारण की थी, वो उपाधि भी ध्यान रखना, दद्दी अजी, दद्दी अज्जी, इस टाइप की एक उपाधि है जो इसने धारण की। तो इतनी जानकारी आप पे ध्यान रखना। और दूसरे ये ध्यान रखना जो सुंगवंश था वो मूलतः आपका माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि ये आपका उज्जैन का ही था, कहाँ का था, ये आपका उज्जैन का था मूलतः, मतलब इसका जो उत्पन्न हुआ है वो कहीं ना कहीं उज्जैन से ही हुआ है, उज्जैन का ही वंश माना गया है। और इसकी जो सुंगवंश की राजधानी रही है, सुंगवंश की जो राजधानी रही है, राजधानी वो रही है विदिशा, विदिशा जो समय क्या क्या नाम से जाना जाता है, बेलसा के नाम से या बैसनगर के नाम से, बेलसा, बेलसा के नाम से, बेलसा नगरी के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका, आपका आता है अगला जो शासक है वो आपका आता है अग्निमित्र। कौन सा मित्र आता है आपका, वो आता है आपका अग्निमित्र, अग्निमित्र, ये कलर देखिएगा नहीं यार, ये वाला ले लेते हैं, कौन सा आता है आपका अग्निमित्र। तो अग्निमित्र के बारे में कहा जाता है कि जब ये शासक था, कौन, पुष्मित सुंग शासक था मौर्य साम्राज्य में, मगध में ये शासक था उस समय। तो इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को क्या किया, इन्होंने विदिशा का राजपाल बनाकर भेजा, ध्यान रखना विदिशा का। और अवंती का राजपाल किसे बनाकर भेजा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसे क्या किया इन्होंने, विदिशा का राजपाल बनाकर भेजा, किसका, विदिशा का राजपाल, क्योंकि इन्होंने राजधानी बनाई थी, विदिशा का राजपाल बनाकर भेजा। एक तो विदिशा का राजपाल था, कौन, अग्निमित्र। और जो अष्ट रचना है किसकी, कालिदास की, मालविका अग्निमित्र, ध्यान रखना ये भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कालिदास की अष्ट रचना है, अष्ट रचना कौन सी है, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र के बारे में। मालविका कौन थी, इसमें जो मालविका है वो अग्निमित्र की क्या थी, प्रेमी थी, जो लवर होती है वो थी, मतलब लड़की थी, लड़की को जो भी वो बोलो आप, प्रेयसी बोलो, प्रेमी बोलो, प्रेमिका बोलो, कुछ भी बोलो भैया, लव बर्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो भैया, आपके हिसाब से चॉकलेट बोल दो आप, है ना। तो वो ये थी, और इनके बारे में जो लिखा गया, तो ये जो भी मजाक में बोला है वो भी याद रखना है,
ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपोर्टेंट हो जाती है। कालिदास की पहली रचना किसके ऊपर लिखी गई, तो कुसुमिसुम के पुत्र अग्निमित्र के बारे में लिखी गई है, जिसमें कुसुमिसुम और मालविका का प्रेम, जो प्रेम वर्णन है, लव स्टोरी है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो लव स्टोरी पहले से चली आ रही है, लोग बागों को अभी बदनाम किया जा रहा है, तो ये हो गया। इसके अलावा आप ध्यान रखना बागभद्र, बागभद्र के बारे में ध्यान रखना है कि बागभद्र के समय एक शासक आता है, वो मतलब शासक नहीं सॉरी एक दूत आता है, वो उसका नाम होता है एलियोडोरस, यवन दूत था। कौन था? यवन दूत। यवन दूत आता है, उसका नाम था एलियोडोरस। कौन था? एलियोडोरस। यवन का एक दूत आता है एलियोडोरस, ये किसका दूत होता है? ये यवन शासक होता है। यवन शासक कौन था? एंटियालकिस, सॉरी एंटियालकिस, एंटियालकिस का नाम रखो तो रख लेना याद, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना एंटियालकिस का जो एक शासक होता है वो यवन दूत होता है। ये अपने यहाँ पे इसके यहाँ भेजता है, भागवत के दरबार में भेजता है, एलियोडोरस आता है। और एलियोडोरस आकर सबसे महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इसने विदिशा में, क्या विदिशा में, जो बेलसा बोला जाता है था, विदिशा में एक गड़ूर स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका? गड़ूर स्तंभ। गड़ूर स्तंभ जिसे वर्तमान में खाम बाबा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये गड़ूर स्तंभ जो प्रतीक है वो भैया पांच रात धर्म या भगवत धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? भागवत धर्म से। भागवत धर्म से संबंधित है, इसे पांच रात्र धर्म भी बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, पांच रात धर्म भी बोला जाता है, पांच रात धर्म भी बोला जाता है। इसके अलावा ये गणूर स्तंभ जो समर्पित है वो किस भगवान को समर्पित है? ये ध्यान रखना, किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को ये गणूर स्तंभ समर्पित है। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए इस वंश के बारे में। और देवभूति क्या था? देवभूति जो अंतिम शासक था, इसकी हत्या कौन कर देता? मैंने यहाँ पे बताया था कि इसके जो मौर्य साम्राज्य के ब्राह्मण वंश आते हैं, सोंग आते हैं, इसके बाद कर्णव आते हैं, प्रहान आते हैं और सातवाहन आते हैं। अब अगला वंश कौन आएगा आपका? कर्णव आएगा। कौन सा? कर्णव वंश। तो कर्णव वंश का जो शासक संस्थापक रहा है देव कौन? वसुदेव। वसुदेव कौन रहा है? वसुदेव। तो जो वसुदेव है ना, वो ध्यान रखना, वसुदेव किसकी हत्या कर देता है? देवभूति की हत्या कर देता है। और अगला वंश जो स्थापित होता है विदिशा में स्थापित होता है, ये ध्यान रखना, विदिशा ही मेन तोर हो गया था बाद में। तो विदिशा में स्थापित होता है वो कौन करता है? वासुदेव करता है। वासुदेव का जो अगला बेटा जो पैदा होता है वो होता है सुशर्मा। कौन होता है? सुशर्मा। वो सुशर्मा की जो हत्या करेगा वो अगला वंश स्थापित करेगा। सुशर्मा की जो हत्या करेगा वो आंध्र वंश का संस्थापक माना जाएगा, क्योंकि तीसरा वंश आंध्र वंश है, वो होता है सिम्मो। इसकी हत्या कौन कर देता है? ये मिटा देता हूं थोड़ा। इसकी हत्या कौन कर देता है? कौन कर देता है? सिम्मो। सिम्मो। और अगला वंश जो स्थापित हो जाता है वो कौन सा वंश होता है? आंध्र वंश। कौन सा वंश स्थापित हो जाता है आपका? आंध्र वंश, है ना। तो इस वंश के बारे में, कर्णव वंश के बारे में ज्यादा याद नहीं रखना, इतना ध्यान रखना है कि विदिशा में था, है ना। वो अगला वंश हो गया आपका आंध्र वंश। आंध्र वंश आगे बढ़ते हैं। आंध्र वंश, अब कौन सा वंश के बारे में पढ़ेंगे? आंध्र वंश के बारे में यहां पर लिख देता हूं। आंध्र वंश जो अगला वंश है वो आपका कौन सा वंश होने वाला है? आंध्र वंश। तो आंध्र वंश के शासकों के बारे में जान लेते, ज्यादा नहीं पढ़ना, कमी है ना। आंध्र वंश के जो शासक था वो संस्थापक था भैया, वो सिम्मुक था। सिम्मुक था। फिर आपका आता है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी जो इंपोर्टेंट शासक हो सकते हैं उनके बारे में जान रहा है सातकर्णी। और फिर आपका आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन सा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये ध्यान रखना, जो गौतमी आगे लिखा हुआ है, इस वंश में ये रिवाज था कि जो माताएं थी उनको सम्मान देते थे, इसलिए जो सातकर्णी जो अगला हुआ वो उसकी माता का नाम है गौतमी। तो इसने अपनी माता को सम्मान देने के लिए अपने नाम के आगे लगा लिया गौतमी पुत्र सातकर्णी। जैसे मेरा नाम ब्रजेश है, मेरी माता का नाम ब्रह्मा देवी है, तो मैं आगे लगा लूं ब्रह्मा पुत्र ब्रजेश, इस टाइप से, है ना, सम्मान देने के लिए। वो हो गया। सिम्मुक क्या था? इस वंश का इतना ध्यान रखना, संस्थापक था, है ना, संस्थापक था।
और ये कहां पर था मेनली ध्यान रखना, विदिशा में, आपको मध्य प्रदेश के संबंध में देखा जाएगा तो ये आपको विदिशा में देखने को चीजें मिल सकती हैं। सातकर्णी के बारे में ध्यान रखना, इन्होंने एक महिला से विवाह किया, ओबियसली महिला से विवाह होता है, इन्होंने एक महिला से विवाह किया, उसका नाम था नागानिका। तो इसी की महिला के नाम पर एक अभिलेख मिलता है, नानाघाट अभिलेख। कौन सा? नानाघाट आपका अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख? नानाघाट अभिलेख। और नानाघाट अभिलेख में कहा गया कि भैया इसमें जो ये वंश था, कौन सा वंश था आपका? आंध्र वंश था। इसमें ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जानकारी मिलती है इस वंश के बारे में। इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को भूमि दान दी, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जानकारी मिलती, भूमि दान देने की जानकारी मिलती है इससे, नानाघाट अभिलेख से। इतना ध्यान रखना। इसके बाद जो आपका गोदमी पुत्र सातकर्णी मिलता है, इसके बारे में ध्यान रखना कि इसके सिक्के त्रिपुरी से मिलते हैं, त्रिपुरी जबलपुर में। इतना ध्यान रखना है, जो इसके सिक्के हैं वो आपको मिलेंगे त्रिपुरी से। कहां पर मिलेंगे? त्रिपुरी। वो त्रिपुरी आपका मिलता है जबलपुर में। कहां पर मिलता है आपका? जबलपुर में। तो यहां से इसके सिक्के मिलते हैं, मतलब इस वंश की जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। तो इतनी सारी चीजें ध्यान रखना। और आंध्र वंश को एक नाम दिया जाता है सातवाहन वंश, सातवाहन वंश भी कहा जाता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना, इसकी जो जानकारी मिलती है वो मत्स्य पुराण से मिलती है, मतलब इसका जो स्त्रोत है, जानकारी का जो स्त्रोत है वो आपका है मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण से इस वंश की जानकारी मिलती है। और ये कहा जाता है कि ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का काम करता था, इसलिए इस वंश को कहा जाता है दक्षिणापति, दक्षिणापति। इस वंश के को कहा जाता है दक्षिणापति क्योंकि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत, कौन सा? दक्षिण भारत के बीच क्या करता था? ये काम करता था सेतु का काम। क्योंकि आप सभी को पता है आंध्र वंश जो बेसिकली आंध्र या सातवाहन वंश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में था, तो कोई भी वंश जो उत्तर में हुआ था दक्षिण में हुआ, दक्षिण वाले दक्षिण में रह गए, उत्तर वाले उत्तर में हो गए, मतलब इनसे लड़के ही गुजरना पड़ता था, है ना। इतनी जानकारी, शीशे के सिक्के भी इनने प्रारंभ किए थे मेरे ख्याल से सबसे पहले। तो इतनी चीजें हो गई, आपके पढ़ चुके हैं आंध्र वंश। अब एक और वंश बन जाता है जो ब्राह्मण वंश में है, अब वो बकाटक वंश। तो अगली स्लाइड में एक और वंश के बारे में जान लेते हैं, वो आपको हो जाएगा बकाटक वंश। कौन सा? बकाटक वंश, है ना। तो बकाटक वंश के बारे में जान लेते हैं। तो बकाटक वंश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। इस वंश का संस्थापक कौन था? बिंद्य शक्ति था। कौन था? बिंद्य शक्ति। इस वंश का जो संस्थापक था वो आपका है ये बिंद्य शक्ति था। ये क्या है? संस्थापक था। संस्थापक कौन था? ये संस्थापक था। और ये वंश कहां पर है? विदिशा में। ये भी ध्यान रखना, ये कहां पर मिलेगा आपको? ये भी विदिशा में मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? विदिशा में आपको देखने को मिलेगा। बिंद्य शक्ति के बाद ये ध्यान रखना, इसका जो अगला शासक आता है वो रुद्र सिंह द्वितीय। कौन सा शासक आता है? रुद्र सिंह द्वितीय। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? इसलिए हो जाता है भैया, ये रुद्र सिंह द्वितीय है, इसका जो विवाह होता है, रुद्र सिंह द्वितीय का जो विवाह होता है भैया, विवाह का नाम सुनते ही लड्डू फूट जाते हैं मन में, क्या हमारी शादी कब होगी? अरे बेरोजगारों, रोजगार मिलेगा तो तुम्हारी शादी होगी, बेरोजगारों से कोई शादी नहीं करना। आगे समझो, तू रोजगार पाओ, नौकरी लगाओ, इसके बाद शादी करो, फिर चॉइस तुम्हारी होगी, जिसपे हाथ रखोगे वो लड़की तुम्हारी हो जाएगी। अभी तो भैया रिजेक्टेड मान लो तुम, है ना, तो पढ़ लो बढ़िया से। तो विवाह हुआ इसका, जो ध्यान रखना, विवाह अच्छे परिवार में हुआ, इसलिए ध्यान रखना, ये विवाह हुआ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त साम्राज्य का था उसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। कौन थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य, जिसे कहा जाता है विक्रमादित्य। और जो किस वंश का शासक मिलेगा, जो आगे में आने वाले समय में पढ़ाऊंगा, गुप्त वंश। ये था गुप्त वंश। तो ध्यान रखना भैया, बकाटक इतना शक्तिशाली था कि इन्होंने प्रभावती गुप्त से शादी कर ली थी इस वंश के शासक ने, रुद्र सिंह द्वितीय ने। इसके अलावा पृथ्वी सिंह द्वितीय आता है, पृथ्वी सिंह द्वितीय। तो इसका ध्यान रखना,
इसका एक सामंत था व्याघ्रदेव। कौन? व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव ने, ध्यान रखना, एक मंदिर का निर्माण करवाया था, उस मंदिर को रट लेना, नचना कोटार का मंदिर या नैना कोटार का मंदिर। नचना मिलता है आपको या कहीं को मिलेगा? नैना, नैना कोटार, नैना कोटार का मंदिर जो आपको बेसिकली देखने को मिलेगा पन्ना जिले में। तो ये चीजें आप एक बार देख ले। बाकी बकाटक वंश हो गया, ये ब्राह्मण वंश समाप्त हो गया है। यहाँ पे चार ब्राह्मण वंश के बारे में मैंने पढ़ा चुका हूं, तो आप एक बार देख ले और आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। जो अगले वंश है ना उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो अगले वंश छोड़े ही हैं, बस दो मिनट और लगेंगे, ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो अगले वंश के बारे में जान लेते हैं। तो ये अगले वंश है ना, वो आपके हैं कौन? वो आपके हैं विदेशी, वो आपके हैं विदेशी, वो आपके हैं विदेशी। विदेशी में कौन कौन आपको देखने को मिलेगा? यवन, शक और पल्लव कुषाण। कौन कौन से? यवन, शक, पल्लव और आपको देखने को मिलेगा कुषाण। यवन, शक और पल्लव कुषाण। तो ध्यान रखना, यवन में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना, यवन में एक शासक मिलता है मिनांडर, जिसके सिक्के बालाघाट से मिलते हैं। इसमें एक शासक मिलता है आपको मिनांडर, मिनांडर एक शासक मिलता है जिसके सिक्के आपको मिलेंगे बालाघाट से। इतना सा ध्यान रखना, बस इतना सा रटना। शकों के बारे में ध्यान रखना, इनकी पांच शाखाएं थी भारत में, पांच पांच शाखाएं थी। पांच शाखाओं में से एक शाखा थी करदामक। तो करदामक वंश की जो शाखा थी उसका शासक था चष्टन। ये ध्यान रखना, ये किस वंश का शासक है ये पूछा जा सकता है। चष्टन के बाद जो शासक मैंने रुद्र दामन के बारे में पढ़ाया था वो यहीं पे था, रुद्र दामन इसी वंश का शासक था, जिसका जूनागढ़ अभिलेख आपको मिलेगा सौराष्ट्र से। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख मैं आप पहला पढ़ा चुका हूँ, वो वाला शासक है ना। पल्लव वंश के बारे में हमें मध्य प्रदेश से कोई जानकारी नहीं मिलती, तो हम नहीं पढ़ेंगे। कुषाण वंश, कुषाण वंश के बारे में सिर्फ इतना मिलता है कि इसका जो शासक है कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क के कितने? 324 सिक्के। कितने? 324 सिक्के जो मिलते हैं वो आपको मिलते हैं शेडोल से, सुहागपुर शेडोल से, शेडोल को देखने को मिलेंगे। और इसी वंश का एक और शासक आता है विमकटफिसेस। कौन सा आता है? विमकटफिसेस। जो विमकटफिसेस जो शासक होता है उसके, ध्यान रखना, जो सिक्के मिलते हैं वो आपको मिलते हैं विदिशा में। बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी कुछ है ही नहीं इन वंशों के बारे में जानने का। तो ये यहाँ पर चीजें हो जाती हैं आपकी क्या समाप्त। तो इतनी चीजें जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं रिवाइज करवाऊ, आपको थोड़े वंश जो कुछ और वंश है उनके बारे में आप जल्दी से ध्यान रख लें, जल्दी से ध्यान रखने ना, टाइम हो रहा है अपना। ये आप मध्य प्रदेश का मैप बना लें और मैप बनाने के बाद आप कुछ वंशों को याद रखने की कोशिश करें। ये मध्य प्रदेश का मैप है, तो ध्यान रखना इसमें जो मैं आपको वंश बताने वाला हूं वो आपको कुछ बोर वंश है जिसकी सिर्फ लोकेशन याद रखना, कुछ याद नहीं रखना। तो जो ग्वालियर, ग्वालियर और विदिशा में जो वंश था वो था आपका नाग वंश। ये नाग वंश था जो आपका ग्वालियर, ग्वालियर प्लस विदिशा में मिलता है, ग्वालियर और विदिशा में देख को मिलता है आपका। यहाँ पर जो बकाटक वंश था वो विदिशा में मिलता है, बकाटक, बकाटक आपको मिलेगा विदिशा में, ये ध्यान रखना है ना। इसके अलावा जो आपको मिलेगा यहाँ पर एक और वंश है वो आपका है मेघ वंश। कौन सा? मेघ वंश, जो आपको बांधवगढ़ में मिलेगा, जिसकी राजधानी बांधवगढ़ थी ना, बांधवगढ़ इस वंश की राजधानी थी, बांधवगढ़, बांधवगढ़ इस वंश की राजधानी थी। इसके अलावा यहाँ पर पांडव वंश मिलेगा, पांडव वंश जो मेकल का पांडव वंश ऐसा बोला जाता है, वो आपको बघेलखंड क्षेत्र में मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा सेल वंश। कौन सा वंश? सेल वंश, जो आपको मिलेगा महाकौशल क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? महाकौशल क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये आपका हो गया। उचेरा में आपको एक और वंश देखने को मिलेगा, उच्चकल्प वन, और यहाँ पर पन्ना में मिलेगा आपको परिव्राजक, परिव्राजक वंश, ये आपको मिलेगा पन्ना में। और ऐसा कहा जाता है कि पन्ना के बगल में एक और वंश था, वो उच्चकल्प वंश था, उच्चकल्प, जो आपको कहां पर मिलेगा? उचेरा सतना में। उचेरा जो सतना है वहां पर आपको देखने को ये चीजें आपको मिलेंगी। बाकी मैं बता ही चुका हूं कि और वंश कहां कहां पर थे।
वो आपको पता ही है, लेकिन ये ध्यान रखना ओलिकर वंश यहां पर था मंदसौर में, ये कौन से इलाका है, मंदसौर वाला इलाका है। तो मंदसौर वाला जो इलाका है वो दसपुर में है, इसकी राजधानी थी दसपुर, अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना ओलिकर को ही खा जाता है, जो मालवा जो नाम पड़ा वर्तमान में, जो मध्य प्रदेश का मालवा जो नाम पड़ा है, मालवा वाले क्षेत्र का नाम पड़ा है, वो ओलिकरों ने दिया था, मालवा नाम ओलिकरों ने दिया, ये ध्यान रखना। इस वंश का एक शासक है यशोधर्मन, उसके बारे में भी ध्यान रखना, इसकी राजधानी दसपुर मंदसौर थी। बाकी वंश मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, वो जो कर्दमा वंश हो गया आपका, राजधानी दसपुर हो गई, इसका वंश का जयवर्मन था, संस्थापक कौन है, जयवर्मन। तो ये आपका वंश हो गया जो आपको याद रखना। तो एक बार शुरुआत से हम देख लेते हैं चीजों को, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूं आपको। फाइनली क्या होता है, हमने मौर वंश के बारे में पढ़ा, मौर वंश से पहले जो वंश थे वो आपको मगध साम्राज्य में हर्यक वंश मिलेगा, हर्यक वंश के बाद जो उस समय बिंबिसार शासक था, इसके बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया, इसके बाद नंद वंश आया जिसे संस्थापक महापद्म नंद था, और गणानंद के समय चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना कर दी, मौर्य वंश की स्थापना कर लीजिए, आप सब देख सकते हो। मौर्य वंश में तीन शासक हुए आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गिन्नार अभिलेख मिलता है जो रुद्रदामन था, जिसके बारे में जानकारी मिलती है कि मालवा क्षेत्र में उसका, यहाँ पर मालवा क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसका शासन था। इसके बाद बिंदुसार आता है, बिंदुसार का बेटा होता है कौन, होता है अशोक होता है। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बिंदुसार के समय कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था, अवंती का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन वो विदिशा होते हुए आ रहा था, विदिशा में रुकता है, जिसकी जानकारी हमें महावंश से मिलती है। उसने अपने विवाह त्रिदेवी के साथ करवाया, जो शकवंश की व्यापारी की पुत्री थी, और दो एक बेटा और एक बेटी हुई, बेटा का नाम महेंद्र था, पुत्र बेटी का नाम संगमित्रा था, जिन्हें श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। इसके अलावा हमें काकनाग बोर्ड तक जो सांची का नाम मिलता है, इसके अलावा वर्तमान में सांची को सोलर सिटी कहा जाता है, ग्रीन सिटी कहा जाता है, पश्चिम रेल संग्रहालय सांची में स्थित है। इसके अलावा हमने सांची स्तूप के बारे में पढ़ा, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, खोज 1818 में जनरल टेलर ने कही थी, 1989 में यूनेस्को में शामिल कर दी गई, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है। और क्या है, सबसे बड़ा स्तूप है मध्य प्रदेश का, ये देख लो, सबसे बड़ा स्तूप है। और इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, भगवान बुद्ध के दो सारिपुत्र सूर्य और महामोद गलायन के अस्थि अवशेष आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जो आपको बेसिकली देखने को मिल सकते हैं, है ना। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना। बाकी जो अभिलेख मैं पढ़ा चुका हूँ, गुजरा अभिलेख और दतिया में, जिसका नाम, जिससे सबसे पहले अशोक का नाम देवनामप्रिय, देवनामप्रिय दस्सी रखा गया। इसके बाद आपका रूपनाथ जो अभिलेख है वो आपको बोहरी बंद कटनी में मिलता है, कारी तलाई अभिलेख आपको जो मिलेगा वो कटनी में मिलता है। इसके अलावा एक और अभिलेख हमने पढ़ा था, वो आपका था पान गुड़ारिया सीहोर में स्थित है, और सारोमारो भी सीहोर में स्थित है। पान गुड़ारिया शिलालेख में मिलता है कि जो अशोक का पुत्र महेंद्र था उसकी यात्रा विवरण के बारे में जानकारी मिलती है ना। अगला मैं सांची के बारे में बता ही चुका हूँ, ये सांची हो गया आपका, सारिपुत्र आर्मी का हो गया, है ना, ये आप देख लेना।